मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कल जो डिस्चार्ज पेशेंट थे ऑलमोस्ट 2900 के आसपास थे, तो नंबर ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट यानी कि जो पेशेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं वो संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि हमारे अभी जैसे मैंने पहले बताया 5000 केसेस हैं, तो हमारे साथ अभी गैप है उन दोनों के बीच में, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी ठीक होकर अपने घर में जाएँ। एंड आपके नॉलेज में ये भी है कि हमारे 90% जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में ही रहते हैं, उनको भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कल रिदिम जी के द्वारा बताया गया, हम लगातार सतत निगरानी रख रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो 104 का कंट्रोल रूम है, इस पर हम लोग ऑलमोस्ट करीब 1500 से लेकर 2000 तक हमारी डिफरेंट तरह की कॉल्स आ रही है, जिसमें हमारी व्हाट्सएप कॉल्स भी हैं प्लस हमारी लैंडलाइन कॉल्स भी हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था वो ई संजीवनी के बारे में था, इसके बारे में मेरे द्वारा कल भी आपको बताया गया। हम लोगों ने कई सारे डॉक्टर्स को अपने 104 के कंट्रोल रूम में प्लस अलग अलग स्थानों पर हमने डॉक्टर्स को एक हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति ई संजीवनी का जो हमारा एप्लीकेशन है उसके माध्यम से चिकित्सा परामर्श कहीं से भी ले सकता है। इससे हमारे रिमोटेस एरिया में रहने वाले लोगों को काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ कोविड के दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने की जो हमारी अनावश्यक किसी को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और काफ़ी सहूलियत भी हमारे लोगों को रहेगी। इसके बाद कल आपके द्वारा एक वैक्सीनेशन के बारे में आपने सवाल पूछा था, सो मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार का, ऐसे मैंने कल भी कहा था कि ऑलमोस्ट हमारे पास लगातार वैक्सीन हमारी रिक्वेस्ट पे आती है। ऑलमोस्ट 2 लाख डोसेज हमारी आज पहुँच रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमें कन्फर्म किया गया है, जो हमने लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ करीब 1,20,000 डोसेज हमारी शायद कल और पहुँचेंगी, तो हमारे पास लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं 45+ के लिए, इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन स्टेट को आवंटित होती है और हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है लगातार सतत रूप से चल रहा है।